आंखों के नीचे जो काला घेरा बनता है इसका मतलब आके एनाबॉलिन और कैटाबॉलिन दोनों मिलके मेटाबॉलिन को मजबूत बनाता है। मजबूत मतलब खाने के बाद जो रासायनिक प्रक्रिया वो पूरा नहीं होता, जिसके चलते रोगी को लगता है कि मेरा शरीर लग नहीं रहा, कमजोरी बढ़ रहा। और दूसरा साइड क्या है, मॉडर्न बोलता है कि उसमें धातु का क्षय होता है, औरत को भी डिस्चार्ज और लड़का को भी। तो इस तरह की शिकायतें उसको देखी जाती है जिसके आँख के नीचे काला सर्किल है। अगर उसको डिस्चार्ज की शिकायत है तब तो यूटीआई का इन्फेक्शन है, उसमें उसको दवाई देना है। अगर वो यूटीआई के इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं है, संक्रमित नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसको धातु, धातु से मतलब वही मूँगफली है, बादाम है, काट बादाम नहीं मिलेंगे, मूँगफली बादाम खाएंगे, चना खाएंगे, मकई का लावा खाएंगे, वो आपको प्रोटीन के रूप में काम करे, और कुछ नहीं, चना का सत्तू खाएंगे, ठीक हो जाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं। शरीर में कहीं ना कहीं टूट फूट हो रहा है, जो मात्रा से ज़्यादा है उसी का वो परिणाम काला सर्किल आता है। हमको उसमें कुछ नया केमिकल नहीं लगाना है, सिर्फ कुछ नहीं, उसको डाइट में ऐसा लेंगे, बादाम, चिनिया बादाम बोलता है, मूँगफली बादाम बोलता है, ठीक है, उसका सेवन करेंगे, और प्रतिदिन चार दाना, बादाम का चार दाना, मकई का चार दाना, और आपका चना का भुना हुआ चना का चार दाना, एक भुंजा प्याज नमक डाल के खा के देखें, बहुत अच्छा।